Okay, now let's start with chapter 8 MCQs. Okay, that is in relation to analytical procedures. Okay, as soon as I go to the next slide, the time will start with the question. So, here we go. Now we'll written analytical procedures used in the planning stage of an audit generally. Tell me the answer. Analytical procedures used in the planning stage of an audit generally dash below. What is the answer according to you? What is the answer according to you? What is the answer? ओके टेल मी तेल आंसर यहां पे सबका हो गया यहां पर लिख के ठीक है ठीक है ठीक है सबका आ रहा है यहां पे आंसर अब भी ओके चलो आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी ओके दैट इज ऑल ऑफ दबाउ अफकोर्स यहाँ पे यहां पर इट विल हेल्प मी टू डिटरमाइन द नेचर एक्शन टाइमिंग अपना एन टीचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इसमें हेल्प करेगा डेफिनेटली फिर बाद में मेरे को यहां पे दिस विल आल्सो हेल्प मी टू फोकस ऑन द पोटेंशियल रिस्क एरिया इंडिकेट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफनेस ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट वन यहां सी द नेक्स्ट वन द बेसिक ऑफ अंडरलाइंगिकल प्रोसीजर इज वॉट इज दी गो विद बोलो वॉट इज दैट वी गो विथ बोले यहां पर वॉट इज दी एजम्शन दैट वी टेक इन दिस चैप्टर टेल मी ध्यान से बढ़ो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ओके

यहाँ पे आ जाएगा विल नॉट बी एबल टू detect unusual relationship रिलेशनशिप अरे ये तो ढूंढने के लिए अपन कर रहे हैं पे तो how will नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट विल नहीं है इट हेल्स ऑडिटर टू स्टडी रिलेशनशिप एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एक और इन्फॉर्मेशन है वो अभी उसके ऊपर भी एक एमसीक्यूज है आगे तो अपन देखेंगे आगे

बोलो रिव्यू स्टेज पे क्या काम ओके okay, काफी लोग दो ऑप्शंस के बीच में काफी आंसर आ रहे हैं मुझे यहां पे। ओके मी आई थिंक देर आर टू टीम्स नाउ इन द क्लास मी द आंसर ठीक है ओके टू दिस क्वेश्चन इज आंसर इज ए ए क्यू बिकॉज यहां पे एक वर्ड है देखो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पे लिखा है कोरोबोरेट कोरोबोरेट मतलब क्रॉस चेकिंग ठीक है यह अपने ऑडिट जब पढ़ रहे थे तभी बहुत बार में लिखा है यहाँ पे कोरोबोरेट का मतलब होता है क्रॉस चेक करना रिव्यू स्टेज मतलब क्या कि मेरा ऑडिट होने के बाद मैं जब रिव्यू कर रहा हूं यहाँ पे तो आई विल जस्ट यूज एनालिटिकल प्रोसीजर जस्ट टू सी कि मुझे जो एविडेंस मिला है यहाँ पे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो so मैच कर रहे है को क्या बोलेंगे हाँ पे क्रॉस चेक कर रहे ना बेसिकली कि मेरे को जो एविडेंस मिला वो अपन पे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करके क्रॉस चेक कर रहे सो दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कोरोबोरेट इसके अभी टेन मी दिसम एटिकल प्रोसीजर एस एनलिटिकल प्रोसीजर बोलो टेनमील एनालिटिकल प्रोसीजर का यहां पे स्टैंडर्ड नंबर क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर का स्टैंडर्ड नंबर क्या है करेक्ट दैट इज योर एसे ऐसे 520 ट्वेंटी दैट इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बरबर है कि नहीं है फाइव ट्वेंटी वेरी सिंपल टू रिमेंबर वेरी इजी ओके आ जाओ नेक्स्ट में क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक अवेलेबल एज सब्सटैंडिव एनलिटिकल प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक available as substantive analytical procedures but what is your answer what is your answer very simple one Chalo. i'll just wait for 10 seconds and that too i think is a formality okay tell me the answer the answer para oh, the ukali technique available as substantive analytical procedures so i'll tell you all the answer now the answer is option number d both b and c that is

बोलो हाँ यहां पे वो वर्ड आ गया जो मुझे बोलना नहीं था तभी जो आपने पहले के जो एमसीक्यूज थे उसमें एंड दैट इज दिस वर्ड दैट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन विद डेटा फाइनेंशियल एंड विद डेटा नॉन फाइनेंशियल डेटा तो यहां पे भी जो अपन एमसीक्यूज देख रहे थे ये वाले एमसीक्यूज़ में तो यहां पे अपन यही देख रहे थे दैट इज ओके रिलेशनशिप एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही नहीं है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है सो इट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो ठीक है इसके लिए यहां पे ये वन ऑफ अपन मान रहे नहीं थे बिकॉज यहां पे ये वाला कंटेंट नहीं था यहां पे ठीक है वेरी इजी ओके आगे बढ़ते अभी एक सेकेंड हाँ यहां पे ओके दिस आंसर बेसिक अजोम्शन अपन ने कर लिया मेरी सॉरी वन सेकेंड प्लीज वेट प्लीज टेम दिस आंसर एनलिटिकल प्रोसीजर्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज इन द ऑडिट ऑफ डैश लीस्ट लाइकली कौनसे ऑडिट करते समय अपन यहां पर एनलिटिकल प्रोसीजर की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं बोलो रिगार्डिंग विच आइटम्स ऑडिट रिगार्डिंग विच आइटम्स ऑडिट बोलो रिगार्डिंग विच आइटम्स ऑडिट ओके वेरी सिंपल बोलो फाइव जिन्होंने अभी तक नहीं दिया तो काफी लोगों ने दे दिया यहां पे ओके आंसर इज कैश बैलेंस कैश बैलेंस यहां पे अपन क्योंकि कैश बैलेंस का वैसे भी अपने नॉर्मल चेकिंग में ऑडिटर यहां पे पता करेगा यहां पे देखेगा कि कंपनी में कितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है यहां पे तो दैट एनलिटिकल प्रोसीजर में बैठेगा नहीं यहां पे यू हैव टू एक्चुअली सी नो कैश बैलेंस इज देयर और नॉट ठीक है तो so, यहां पे जो बाकी एरियाज है वो अपन एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज करेंगे लेकिन एक्सेप्ट द कैश बैलेंस पार्ट

बोलो यहां पे ध्यान से सोचो और फिर बोलो ठीक है चलो फाइव मोर सेकेंड जाऊ काम कर लो पूरा ले लो पूरा ले लो वन मिनट इसके लिए ठीक है दिस क्वेश्चन डिजर्व दैट वन मिनट ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा

मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डेड अमाउंट है वो इनवॉइस के साथ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आएगा ओके लास्ट में है कम्पेरिजन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेश बजटेड अमाउंट बजट मतलब क्या जितना मेरा बजट था उसके हिसाब से मेरा कितना कितना मेरा काम हो रहा है कितना मेरा काम नहीं हो रहा है दैट यू कैन यूजिकल प्रोसीजर ठीक है उसका पर, अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं

वॉट इज द आंसर टेन मोर सेकेंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बोलो यहां पर ओके चल, ये आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है एक सेकंड है यहाँ पे एक थिंग देर इज अ स्मॉल गड़बड़ इन द क्वेश्चन आई एम वेरी सॉरी यहां पे ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनाजिए था माई बैड वेरी वेरी सॉरी ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग डिटर डेटा इज रिलास ऑफ डिजाइनिंगल प्रोसीजर्स बरोबर की नहीं तो अपना ना उसमें एक आंसर किया था उसका कोड था यहाँ पे सोन कोर करके अरे तुम तो लोग याद है कि नहीं है सोन कोर करके एक अपना आंसर था ठीक है इसमें सोन कोर का नाज सिर्फ यहाँ पे यू सी ये सिर्फ आर ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है

डैश ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेन टू बी प्रेडिटेबल ओवर टाइम कब अपने को काम आएगा कब अपने को ज्यादा बोलो 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 वेरी सिंपल बोलो इजी क्वेश्चन है बोलो करेक्ट 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 एवरी वन करेक्ट करेक्ट वेरी वेरी सिंपल ओके दसर इज ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी लार्ज वॉल्यूम सर लार्ज वॉल्यूम रहेगा तो एनालिस करने में इजी पड़ेगा यहां पर गो फॉर दिस वन रिलाफ्लुंसमी रिला इन्फ्लुंस बाई जस्ट नाउस एक्चुअली मैंने दिया वही गलत है बट ठीक है यू कैन आंसर फास्ट एंड टेलमी ओके बोलो आंसर क्या है यहां पर इसका ओके देश नंबर बोलो 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 लास्ट टेन सेकेंड फॉर यू टेलमी वॉट इज दंसर ओके द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी यहां पे वेरी इजी एवरीवन वेरी वेरी सिंपल ठीक है यहां पे ओके दैट्स इट दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर एट दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स